सेक्टर का ये स्टॉक आने वाले समय में आपको करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाने के लिए तैयार है। अब आपके मर्जी, आपको कितना इन्वेस्टमेंट और किस हिसाब से करना है वो भी जान लीजिए। अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, 2030 तक अरबपति खरबपति बनना है, तो इन सभी स्टॉक्स पे नज़र और अपनी पैनी नज़र बना के रखिए दोस्तों। कौन सा स्टॉक है, कौन सा शेयर है, आइए हम चलिए हम आपको बता दें। हमारा तो काम ही है ये बताना और आपको सिखाना पढ़ाना कैसे और क्यों डिफेंस सेक्टर को हमारी सॉफ्टवेयर पे पहली बार आया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार हम कह चुके हैं कि डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, और दो साल से बोलते आ रहा हूँ। एक एक स्टॉक 400% 500% का प्रॉफिट दे चुका दोस्तों। 2021 में हमारा टारगेट था 3000 कंपाउंडिंग प्रॉफिट देने का। तीन चुटकी, 3000 कंपाउंड दे चुका दोस्तों। 2022 में टारगेट था 5000 कंपाउंडिंग प्रॉफिट देने का, दे चुका। 2023 में 7000, 2 और 5, 7000, 7000 कंपाउंडिंग प्रॉफिट देने का मेरा वादा है दोस्तों। दिसंबर 2023 31 तक, 2024 के पहले दिन ही आप देख लेंगे कि 7000 कंपाउंडिंग प्रॉफिट कैसे दिया। एक एक बारीकियां और आपको मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूंगा। चलिए तो डिफेंस सेक्टर की पहले बात हो जाए। डिफेंस सेक्टर में लगातार आप खरीदते रहिए। जिस स्टॉक के बारे में हम बता रहे हैं हम आपको, जिसमें आपको है अशोक लेलैंड, टाटा मोटर, मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स, जी हाँ नहीं जानते तो जान लीजिए, और आइसर मोटर। ये मत कहिएगा सर कि आपने बताया नहीं और हम पहले बता रहे हैं दोस्तों। दूसरी तरफ जो एयरबस, जैसे कि आप एम्बुलेंस रोड पर देखते हैं उसी तरह हवा में जल्दी से जल्दी कैजुअल्टी किसी तरह का हो, भूकंप आए, महामारी आए, बाढ़ आए, सूखा हो, सुनामी आ जाए, या कहीं आपातकालीन की स्थिति में जो सड़कों के माध्यम से काफ़ी लेट होती थी, सड़कें भी आज के डेट में पहले की अपेक्षा कई गुना सुदृढ़, सही और मजबूत, समय की बचत करा रही है। उसके बाद भी और जल्दी तेज स्थिति में हमारी रक्षा हो सके, भारत के साथ साथ विदेशों को भी सहायता मिल सके, एयरबस की जो टारगेट मिशन है भारत सरकार का, ये खबर आते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक लिमिटेड, ये तीन कंपनी मिलकर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इन तीनों को तो पहले छोड़ना नहीं दोस्तों। और तेजस जैसे हमारे मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के जो एलिमेंट्स हम विदेशों से मंगाते थे, बहुत सारे कम किए हैं। और अब आत्मनिर्भर भारत वाला मेक इंडिया का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो काम कर रहा है, ये स्टॉक अपने रडार पे जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सोच रहे, आपका परिवार सोच रहे, ईश्वर से हम यही कामना करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, पिछला वीडियो जरूर देखिए हमारा।